योगा कर्म सु कौशलम। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, योगा करने से हम जो भी काम करते हैं वो कुशलता के साथ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष सक्सेना, आप देख रहे हैं ओके क्रेडिट, और आज हम बात करने वाले हैं ममता जी से उनके योगा स्टूडियो के बारे में। आना तो मेरा शायद बचपन से ही पैशन रहा होगा, क्योंकि बचपन से ही मुझे योगा करने का शौक था, क्योंकि मेरे दादाजी परदादाजी सब वैद्य थे, तो मेरा उन पर प्रभाव पड़ा बचपन से। तो मैं धीरे धीरे खुद ही किसी मैगजीन में देख लिया, टीवी में देख लिया योगा करती थी। सबसे पहली और सबसे बड़ी आवश्यकता है आपका पैशन। जब वो पैशन उभर के आता है तो आपको जगह भी मिल जाती है जिसकी आपको ज़रूरत होती है, और आप अकेले अगर ज़्यादा बड़ी क्लास है अकेले मैनेज नहीं कर सकते, तो आप असिस्टेंट रखने पड़ते हैं जो क्वालिफाइड टेरेस पे भी कर सकते हैं। अगर बहुत ही आपको कल्याण मतलब मानव जाति के कल्याण का शौक है तो पार्कों में भी जाके कर सकते हैं, और एज ए बिजनेस अगर लेते हैं तो कोई हॉल वगैरह ले सकते हैं। हमारा जो योगा है वो ब्रीदिंग टेक्निक पर ही, बाकी आप देखेंगे मैं किसी का नाम भी लूँगी, वो ब्रेथ के बारे में, श्वास जो हमारी सांस है उसके बारे में बताते ही नहीं कि कैसे हमें सांस लेनी है कैसे हमें छोड़नी है, बस उन्हें मशीन की तरह वो योगा कराते हैं। योग होते हैं कई तरह के, भक्ति योग, ज्ञान योग। तो हमारा ये जो सारी परंपराएं हैं योग की, ये सारा कॉम्बिनेशन इसलिए सबसे अलग। योगा और आयुर्वेद जो हमारे एंशियंट इंडिया की क्या है हीरे बेशकीमती, इतनी अभी कोरोना वायरस के चलते होते लोगों को इतनी स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ दी जा रही थी, उनको बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स, वो कोरोना की वजह से नहीं मरे, वो किससे मरे कि उन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स। अब आयुर्वेद में ऐसा नहीं, स्लोली एंड ग्रेजुअली वो अपना असर दिखाता। योग क्या है, तुम रुको उस आसन में, स्टे करो, सांसों को लो और छोड़ो, तब इफेक्ट आएगा तुम्हारे शरीर पर। देखो मेरा जो सेशन होता है योगा का 1.5 घंटे का होता है। सबसे पहले मैं वार्म अप कराती हूँ। वार्म अप किसी बॉलीवुड सॉन्ग पर भी हो सकता है, एरोबिक्स भी होता है, जुम्बा भी, गरबा भी कराती हूँ, तो उनकी बॉडी वार्म हो जाती है। और सबसे लास्ट में जब मेरा सेशन खत्म होता है तो मैं कराती हूँ मेडिटेशन, और मेडिटेशन के बाद मैं उनको थोड़ा सा कोई पेपर हट देती हूँ जिसमें आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ भी हो सकती हैं, तुलसी हल्दी या पानी ग्रीन टी वगैरह ले लेती हूँ ताकि वो पूरी तरह रिलैक्स हो जाए। जब से COVID-19 का मतलब इफेक्ट आना शुरू हुआ तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि लॉकडाउन, तो लॉकडाउन में चल रहा थी, सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए फिर मैंने सोचा अगर 1 महीने बाद मैं इसको स्टार्ट भी करूँगी तो ये एक्चुअली प्राणायाम हमारा सांस के ऊपर ही है सर। तो या तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि जो लोग आ रहे हैं वो पूरी तरह स्वस्थ हैं या नहीं, लेकिन हाँ यूट्यूब्स के कुछ वीडियोज हैं जो मैंने बनाए हैं, उनको कुछ प्राणायाम में फ़ायदा हो, कुछ दूसरे के क्वेश्चन आंसर्स वो कर सकते हैं। मेरा सक्सेस मंत्र 3 बातों की है। सबसे पहली है ऑनेस्टी, ईमानदारी। दूसरा है डेडिकेशन, और तीसरा है हमारा पैशन। तो हमारी जो ऑडियंस है वो आपसे किस तरह जुड़ सकती है? जो बरेली के लोग हैं वो मेरे योगा स्टूडियो में आ सकते हैं, उनका बहुत हार्दिक स्वागत है, वो आए ज्वाइन करें, अपने आप को स्वस्थ करें। और ऑनलाइन अगर जुड़ना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। तो हम मैम के ऑनलाइन जो भी चैनल्स और लिंक्स हैं वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसके थ्रू जाकर के मैम से कनेक्ट हो सकते हैं, और जो बरेली के लोग हैं वो स्टूडियो विजिट कर सकते हैं। की क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।